जनपद संबल में हड्डी एवं सींग से बने उत्पादों की धूम विदेशों तक। जनपद संबल हड्डी और सींग के उत्पादों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। आपको बता दें कि जनपद संबल की सदर तहसील के सरायतरीन एवं हयातनगर हड्डी और सींग के बने उत्पादों के लिए विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन लॉकडाउन से यह इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही, लेकिन सरकार द्वारा घोषित अनलॉक के दौरान यह इंडस्ट्री फिर से अपनी पहली जैसी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। इस विषय में क्राफ्ट इंडिया के मालिक सुहेल परवेज ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब फिर से बिजनेस शुरू हुआ है। मोहम्मद शारिक, आप क्या जो ये बॉन्ड होल्ड का जो ये वर्क होता है, काम होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला? जैसे कि ये बॉन्ड होल्ड का यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बनता है, जो वेस्ट मटेरियल है, जिसे मान लीजिए हम फेंक देते हैं या कुछ भी इस तरीके के सलेटर से, जैसे बोन हॉर्न, ये एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, तो इससे हमें रिसाइकिल करके इसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे इंडिया में काफ़ी आता है। तो जैसे क्या क्या चीज़ बनती है यहाँ पर? इसमें हैंडीक्राफ्ट में फर्नीचर्स बनता है, फ़ोटो फ्रेम, इंटीरियर डेकोरेशन के ज़्यादातर आइटम, गिफ्ट आइटम्स और भी बटन्स वगैरह बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपके इस बिज़नेस पे कितना प्रभाव पड़ा? लॉकडाउन में तो सारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है, इस पे भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो बहुत से कैंसिल हो गए, फिर डिमांड नहीं है, लोग अपने घरों से नहीं निकलते तो कोई ख़रीदेगा क्या, तो इसलिए जो हर स्टोर और हर जो इम्पोर्टर हैं, जो छोटे छोटे वहाँ पर भी इंटरनेशनल मार्केट में स्टोर बने हुए हैं, तो वो भी नहीं ख़रीद रहे, कोई भी नया ऑर्डर नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी भी सेल नहीं रही, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था वो 50% तो लगभग कम हो गया है। सुहेल परवेज नाम है मेरा। आपका जो ये यहाँ पर हड्डी सिंह का काम होता है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और इस समय लॉकडाउन में क्या स्थिति है आपके कारोबार की? संभल में जो ये सरायतरीन में होन बोन का काम होता है, इसमें प्रोडक्ट्स हमारे होम फर्निशिंग के बनते हैं, होम डेकोर के बनते हैं, क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं और हाउसवेयर, तो ये सब कस्टम ज्वेलरी बनती है, बैग्स बनते हैं, क्लचेस बनते हैं, ये मतलब नॉर्मल ये कैटेगरीज में काम होता है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ, उसके बाद क्या कारोबार पे किस तरह का असर पड़ा? 2 महीने तो कारोबार बिल्कुल बंद था, मतलब फैक्ट्रीज पूरी तरह से क्लोज थी, उसके बाद असर तो अभी भी काफ़ी है और प्रोडक्शन जिस तरीके से निकलनी चाहिए उस तरीके से नहीं निकल पा रही है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके और इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि ये जो सब आपका प्रोडक्ट है, ये कहाँ कहाँ सेल होता है? ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल होता है, मतलब मेन मार्केट इसकी हमारा यूरोप अमेरिका है और बाकी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है एज़ पर द डिमांड। जैसा कि कहते हैं कि संबल हड्डी और सींग के काम के लिए मशहूर है और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आपके कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ा है? लॉकडाउन से क्या है कि एक तरीके से सारा लॉकडाउन था, जैसे बंदी हो गया, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसके लिए, क्योंकि लॉकडाउन ये नहीं है कि सिर्फ यहीं लगा है, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही था, तो यहाँ का जो सामान है वो सारा वर्ल्ड में ही मतलब एक्सपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं जाके सारा कुछ बंद हो गया था, जैसे लॉकडाउन हुआ तो बंदी, तो फिर हर चीज़ की बंदी लगी है इसमें, एक्सपोर्ट भी और आपका मैन्युफैक्चरिंग भी, सब कुछ। आप बनाते हैं क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट होती है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होती है? सारा ये आपका होम बोन का आइटम्स बनते हैं, होम डेकोरेट आइटम्स बनती हैं ज़्यादातर इसके अंदर, जैसे फ़ोटो फ्रेम्स हो गया, मिरर है आपका, टेबल वेयर आइटम्स होती हैं, ये सारा जो आपका यूरोप और आपका USA वगैरह जाता है, ज़्यादातर गल्फ में भी जाता है। अरे कुछ ज्वेलरी वगैरह भी बनती है? हाँ, ज्वेलरी भी बनती थी, अभी तो उसका बहुत डाउनफॉल आया हुआ है 3-4 साल से, लेकिन ज्वेलरी का भी काफ़ी अच्छा टाइम रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज्वेलरी बनती थी, लेकिन अभी भी 5-7% है, अभी ज्वेलरी चल रही है। वो भी जैसे ही बताया जा रहा है कि राजस्थान की तर्ज पर अपने यहाँ भी कुछ फर्नीचर तैयार किया जा रहा है बॉन्ड होल्ड का, तो उसके बारे में कुछ बताइए। राजस्थान में जो बनता है वो यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं, अब जैसे आपने यूनिट में देखा होगा कि बड़े बड़े आइटम होती हैं, उसके लिए बड़ा सेटअप की ज़रूरत होती है, पहले यहाँ पर ऐसा सेटअप नहीं थे, लेकिन अब बड़े बड़े सेटअप लगे हैं, तो उसके हिसाब से अब जो जोधपुर में बनती थी वो आइटम्स अब यहाँ पर भी बनने लगी हैं,
जिससे कि यहाँ के कारीगरों को काफ़ी मतलब अच्छा मतलब रेवेन्यू मिल रहा है। अभी 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 क्या अपने कारोबार में कुछ अभी कुछ तेज़ी आई, कुछ प्रगति पे आया, या अभी वैसे लॉकडाउन की मार झेल रहा है? नहीं, लॉकडाउन जैसे थोड़ा सा उभरा है लॉकडाउन से, तो थोड़ा स्टार्ट हुआ है, जैसे कारखाने पहले बंद पड़े हुए थे तो थोड़ा स्टार्ट हुआ है अभी।